गुजरात में तो आपको ये पता चलेगा कि इस सूबे के अलग अलग इलाकों में कितनी विविधताएं हैं, समावेशी विविधताएं, कई सारे रंग, और उनमें से एक रंग वडोदरा का, वो वडोदरा जिसकी सांस्कृतिक पहचान है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन इसकी एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूँ आशुतोष मिश्रा, और आज मैं हूँ वडोदरा में, वही वडोदरा जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है। अब जब आप इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि कैसे ये एक अलग रियासत हुआ करती थी, लेकिन जब ये रियासतें खत्म हुई, आजादी के बाद मुल्क का नक्शा खींचा गया, तो आज ये बड़ौदा गुजरात का एक जिला है जिसका अपना मिजाज है, अपना चुनावी मिजाज है, अपने रंग है, अपना जायका है। जायका भी देखेंगे, मिजाज भी समझेंगे, आखिरकार गुजरात में चुनाव जो है। सबसे फेवरेट खेल क्या है बड़ौदा वालों का? क्रिकेट। क्रिकेट ही? और किस चीज में? बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से आए हैं क्रिकेट में, जैसे अतुल पठान, यूसुफ पठान। यही प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, यही मोटी बाग में, मोटी बाग में। आप लोगों ने देखा उनको यहाँ प्रैक्टिस करते हुए? देखा है। क्रिकेट के अलावा जो आपकी उम्र से हैं, आपकी उम्र के कम है, नए बच्चे हैं जो 18 की दहलीज पार कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहे हैं, आज की तारीख में बड़ौदा के उन युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखाई पड़ती है? उनको तो अभी है ना, टाइम मिले तो वो क्रिकेट ही खेलते हैं, नहीं तो मोबाइल, दोनों में से एक ही। ये वो करते हैं, करना क्या चाहते हैं? उनकी जिंदगी के आगे सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखाई पड़ती है? वो पढ़ाई में भी आगे, पढ़ाई में तो पढ़ाई में है, लेकिन अभी क्या इधर बड़ौदा है गुजरात का, शिक्षण लेवल का अभी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो गया। यहाँ जो गवर्नमेंट, जितनी मतलब मिडिल क्लास वाले लड़के जो थे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, अभी गवर्नमेंट स्कूल की क्या इतनी इधर वो कंडीशन इतनी है नहीं कि मतलब वो लोग पढ़ने जाते हैं, और टीचर भी मतलब गवर्नमेंट का पगार जो लेते हैं उनको उससे ज्यादा चाहिए होता है, और उतना काम नहीं देना चाहिए उनको, मतलब वो बोलते हैं कि काम नहीं देना चाहते। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मतलब हो गया कि अभी क्या है वो एनसीओ का उसका फॉर्म भरो और हर एक प्राइवेट स्कूल में मफत में एडमिशन मिल जाता है, मतलब कोई भी प्राइवेट स्कूल में चला जाता है, और क्या वो जो स्कूल में जाता है उसमें बच्चे बढ़ जाते हैं, मतलब हर एक स्कूल जो बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं उनके सामने क्या रोजगार के जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, मुहैया है? पढ़ते लिखते नौकरी मिल जाती है रोजगार या काम करने के लिए, या आपको लग रहा है वो भी वो चुनौती है आज की तारीख? नहीं, वो भी है चुनौती, मतलब कितने लड़के इंजीनियर होकर भी मतलब खुद का बिजनेस करते हैं, या फिर छोटा मोटा धंधा करते हैं, या फिर बाहर कोई जॉब के लिए जाते हैं, मतलब सिटी छोड़ना पड़ता है उनको, मतलब कुछ भी बड़ौदा से बाहर जाना पड़ता है। रोजगार का मौका है युवाओं के लिए बड़ौदा में? है, पर बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर एक आम तौर पर मैं बात करूं एक आम गुजराती बड़ौदा वाले के लिए, उसकी जिंदगी में आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी परेशानी आज की तारीख में क्या है? जॉब, कैरियर का, कैरियर का टेंशन होता है सबको, कैरियर बड़ा। हाँ, कैरियर को लग रहा है सरकार ने, अगर नहीं 5 सालों की बात करें क्योंकि अब चुनाव है, 5 साल के नतीजे उसी में दिखाई पड़ते हैं, सरकार ने कैरियर की तरफ या रोजगार की तरफ कुछ किया है बड़ा? किया है, पर बहुत बड़े लेवल पे किया है, ये मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको जॉब जल्दी मिल नहीं रही, रोजगार एक बड़ी समस्या है। सरकार ने आपको लगता है रोजगार की तरफ कुछ बड़े ठोस काम किए हैं? बड़े बड़े काम तो किए हैं उन्होंने, पर जो चाहिए ना वो नहीं, अभी वो नहीं मिला। हाँ, वो नहीं मिला। अच्छा, ये जो ये कुछ भी नहीं, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। अगर अभी आज मैं कमाता हूँ, चलो महीना 20,000 कमाता हूँ, तो मैं 20,000 ही कमाऊंगा, उससे ज्यादा मतलब मेरे को बहुत बहुत तो 25,000 मिलेगा, उससे ज्यादा उतना है भी नहीं कि मैं कमा सकता, मतलब जिस तरह के वायदे आपने 5 साल पहले देखे थे कि सरकार बनेगी, जो उम्मीदें उन्होंने कहा कि हम पूरा कर देंगे, आपको लगता है वो उम्मीदें पूरा हुई हैं लोगों की? उम्मीदें पूरी हुई है, मतलब जो देश अभी जो जिस तरह से मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी अकेले तो अभी कुछ कर नहीं सकते, उनके नीचे लेवल पे भी वही काम होना चाहिए जो वो कर रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री हमारे इधर के, फिर जो धारा सभ्य होते हैं, एमएलए होते हैं, फिर जो सांसद होते हैं, वो लोग पन उनके काम से खुश हैं? नहीं, वो उनके काम से खुश है, लेकिन वो खुद ही अंदर अंदर ही मतलब उनका वो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, और ही अंदर अंदर ही मतलब बीजेपी के उसमें अभी एक दूसरे के अनबन है, मतलब वह सब इधर ही मुद्दे, उनमें से वो लोग बाहर नहीं आते, मतलब ऐसा उनके बीच आपस की लड़ाई। हाँ, उनके बीच आपस की लड़ाई। अब आप चुनाव में जा रहे हैं, तो जब आपसे लोग वोट मांगने आएंगे, तो सबसे बड़ी ऐसी कौन सी बात है जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे कि इस पर वो ध्यान? भी हम तो आम आदमी इंसान है, अभी हम तो क्या रख सकते हैं, मतलब जो भी है जो बड़े लेवल पे अधिकारी होते हैं या फिर जो संस्था होती है बड़ी बड़ी,
वो लोग उनका वो देखते हैं कि भाई हमें इन्हें वोट देना है, हमें इनके। आप लोग जब वोट डालेंगे तो कौन सी चीज ध्यान में रखेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे बड़े होंगे? यही गुजरात में तो एक ही पब्लिक है, आम पब्लिक, वो मोदी को देख के ही वोट देती है कि भाई जब तक मोदी है तब तक हमें बीजेपी देखना नहीं है, कैंडिडेट कौन है, हम लोग को बस वही वोट देना है। अलग अलग इलाकों में घूमेंगे तो ऐसे मैदानों में आपको सुबह सुबह युवा जो है खेलते मिलेंगे, लोग आमतौर पर अपने काम धंधे पर निकल चुके हैं। देश के दूसरे राज्यों और या फिर अमूमन देश के अलग अलग हिस्सों की बात कर लें तो गुजरात में जो बुनियादी जरूरतें हैं वो वही हैं, महंगाई कम हो जाए और बेरोजगारी कम हो जाए। गुजरात में वो भी हमेशा मुद्दे हैं, लगातार सरकार इस पर घिरती रही है, विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि महंगाई कैसे कम होगी, खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें कैसे कम होगी, और साथ ही युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, वो आखिर कैसे सुलझेगा। लेकिन हाल ही में जो बड़ा प्रोजेक्ट अब बड़ौदा में प्रधानमंत्री ने जिसकी नींव रखी, आधारशिला रखी है कि अगर ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोजेक्ट है ये आएगा तो विकास के नए आयाम पैदा होंगे, नए मौके का सृजन होगा, और साथ ही जब औद्योगिक सब कुछ बढ़ेगा इलाके में, उद्योगों का विकास होगा तो बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। लेकिन चुनावों की तरफ बढ़ते बड़ौदा में ये बड़े मुद्दे हैं जरूर। रोज भीड़ लगती है यहाँ पे? रोज भीड़ लगती है। ऐसा क्या खास है इनके इनके भजिया में? सिंग तेल का बनता है इसके लिए। अच्छा, सिंग तेल मूंगफली के लिए। तो यहाँ सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, मूंगफली तो होती है। और अच्छा, एक ही बरसों से एक ही टेस्ट आता है। या रेट कम है इसलिए आते हैं। रेट कम तो 25 रुपए 100 ग्राम, 25 रुपए का 100 ग्राम। बस तो अच्छे है। आप कहाँ, यहीं आसपास के? इधर के, इधर आगे पीछे रोज खाने के लिए हो जाते हैं। अच्छा, अभी तो 4-5 दिन बाद से माहौल बन जाएगा तो फिर इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत और लोग भीड़ आने लगेंगे यहीं पे। हाँ, ये वोट भी मांगने यहीं पर आएंगे। वोट तो मांगने आते ही नहीं, फिर दिखते नहीं है, फिर नहीं दिखते हैं, कहाँ चले जाते हैं, खबर नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी तो प्रधानमंत्री भी आपके यहाँ आए थे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं, बड़ौदा के लोगों को आपको लगता है फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से बड़ा? वो तो अभी आगे, अभी प्रोजेक्ट लगे बाद में खबर पड़े, फिर हो सकता है अच्छा होगा। अच्छा, ये बताइए, अभी 5 साल पहले गुजरात की सरकार में जो आई है, जो जो प्रॉमिस किए थे, कितने वादे पूरे हुए, कितना बाकी रह गया? अभी तो सब ब्रिज ही बने, दूसरा कुछ बनता नहीं है। ब्रिज ही बने, और ब्रिज बना दे, दूसरा कुछ नहीं है। स्कूल बननी चाहिए, दवाखाना बनना चाहिए, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी बताइए, आप लोग के टाइम में, आज की तारीख में बड़ौदा में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी जरूरी किल्लत, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है बड़ौदा वालों के आगे? सबसे बड़ी आज की जरूरत क्या है बड़ौदा वालों के लिए? सबसे पहले तो रोजी रोजगार, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है, आपको लग रहा है इससे फायदा होगा बड़ौदा के लोगों को, रोजगार के मौके पैदा होंगे? हो गए 100% हो गए। दम से बोलता आवाज आवे वहाँ स्कूल के, दम से बोलता आवाज आवे। क्या कह रहे हो? 100% हो गए, लेकिन जो हिसाब से होना चाहिए, जिस तरीके से आप देखो, आप आम आदमी को जितनी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे 50% कम होगी। किस तरह की प्रॉब्लम आम आदमी को झेलनी पड़ती है? जिस तरीके रोजी रोजगार हुआ, जो धंधे के लिए प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी को, हर तरफ देखो महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से अगर सबको रोजगार मिलेगा, अच्छी रोजी मिलेगी तो होगा। महंगाई बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा, आपके लिए भी महंगाई बड़ा मुद्दा है? महंगाई बड़ा मुद्दा है। कितनी महंगाई बढ़ी है 5 साल में? बहुत सारी बढ़ी है। उसी औसत में कमाई बढ़ी क्या घर की? नहीं, कमाई नहीं बढ़ती। अच्छा, यह 5 साल पहले जो आप लोगों से वादे किए गए कि हम ये चीजें मिलेंगे, क्या बड़ौदा को वो वादे वापस मिले हैं? नहीं नहीं, नहीं मिले, जो चाहिए उतना नहीं मिला। क्या मिला, क्या नहीं मिला? सब कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ भी नहीं मिला। क्यों ऐसा? वो तो सरकार जाने कैसे चला रहे हैं वो लोग। बताइए, फिर चुनाव का माहौल है, फिर आप लोगों के सामने आएंगे, तो अब इसमें जब ऑप्शन है बड़ौदा के सामने, राजनीतिक विकल्प कौन दिखता है, या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसी का पलड़ा भारी है बड़ौदा? बड़ौदा में तो अभी आप देखिए फिलहाल भाजपा का ही पलड़ा भारी है, यहाँ देखो हर 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 मोदी बोलते हैं, ठीक है। आपने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर क्यों? पब्लिक की चॉइस है ना, मोदी को ही चुनेंगे। अभी आम आदमी का लोग आया था, उसका बैनर फाड़ दिया, क्यों ऐसा? तो वही बात है ना, गुजरात में तो मोदी ही बोलते हैं, बड़ौदा में भी। बड़ौदा में किसका माहौल बड़ौदा में दिखाई दे रहा है? मोदी का ही, मोदी मोदी का ही, दूसरा कुछ नहीं आता, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता।
उनके लिए जुड़ाव है आप लोगों का? है ना, जुड़ाव तो है ना, मोदी जी के लिए जुड़ाव तो रहेगा, मतलब कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं मोदी। और जो राज्य की सरकार है यहाँ पे, वो उसके बारे में नहीं पता मुझे कुछ। गुजरात की सरकार के बारे में कुछ नहीं पता? गुजरात की सरकार तो है ना, मोदी ही है ना गुजरात में, तो मोदी तो प्रधानमंत्री तो बड़ा प्रधान है, सब जगह मोदी ही है ना, गुजरात में पहले मोदी था, मोदी जी। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुझे उतना सारा नहीं पता है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल आप तो बता दिए, तो सब कह रहे क्या बोला, किसका नाम लिया उन्होंने? उसका ही नाम लिया। किसका? वीरेंद्र पटेल, उसका ही नाम लिया। इसका किसका? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के वो मोदी के साथ है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के भूपेंद्र पटेल। गुजरात नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अब ये बताइए कि यहाँ तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं पता है लोगों को, ये तो बाहर के होते जिनको मालूम नहीं था, लेकिन क्या हो नाम पता है? नाम नहीं पता है, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट मोदी की वजह से। पहले बीजेपी था। ये देखिए हमारे लिए भी ये लग गए हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये क्या है? कड़ी है। इसको कड़ी से खाते हैं, चटनी नहीं? ये चटनी कड़ी है, वो दोनों एक ही है। अच्छा, चटनी चटनी के तौर पर खाया जाता है। अच्छा, इसको बनाते किस चीज से हैं? चने का दाल का है ये, चने के दाल के भजिया, और ये बेसन का है। ये बेसन, इसमें क्या क्या पड़ता है? उसमें दही डालते हैं, दही और बेसन। बेसिकली मीठा तो नहीं है गुजरात में, हर चीज बताते हैं, हर चीज में मीठा खट्टा भी ना। आप खा के देखो, एकदम एक नंबर बढ़िया आएगा, एक नंबर वस्तु मीठा है। अच्छा, जो लोग गुजरात में नहीं रहते और हमेशा ये शिकायत करते हैं, गुजरात में जाएंगे तो दाल में भी चीनी मिल जाएगी, हर चीज में मीठा होता है, तीखा खाने वालों को थोड़ी निराशा जरूर होगी, खासकर उत्तर जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं, उन्हें हर चीज में नमक और तीखा खाने की आदत। ये थोड़ा चटपटा है, मिठास है इसमें, इसीलिए बड़ौदा वालों की जुबान पर भी काफी मिठास है। हमने इस चौपाल में लोगों से बातचीत की है, बड़ी दिलचस्प सी बात है कि लोगों को ये पता है। ये बताइए, आप अभी यहीं के रहने वाले, बड़ौदा के ही, ये हर चीज में मीठा क्यों डालते हैं? वो ऐसा नहीं, कई लोगों को वो तीखा लगता है तो वो मीठा ना दे, सरका लगे उनको, ठीक है तो कड़ी में भी मीठी मीठा है, वो मीठा ही नहीं, सब में मीठा ही जलता है। अच्छा, आपके भी रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, जानने वाले, वो पूछते हैं क्या गुजरात में लोग मीठा क्यों खाते हैं? वो हमारे घर भी क्या ऐसा ही है, वो हमारी बहू ने ऐसा मीठा बना दी हर चीज, हमें औरत को पता नहीं है, हमारे को पसंद नहीं है, अब क्या करें, उनको आदत ही पड़ गई है एक साथ। अच्छा, जब आपकी बहू है, आपके घर में लोग हैं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की करते हैं? अब शिकायत करने कोई फायदा नहीं है, अपने जैसे हाल पे रहते ऐसा रहना पड़े अपनों को, नहीं तो छोकरे क्या बोले, घर के बाहर जाओ तकलीफ ये। नहीं, आपसे नहीं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है, आप लोग के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत क्या नजर आती है? जैसे युवा है वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में क्या है? बेरोजगारी तो है ही, जो कि हकीकत है, कई लोग मारे मारे फिरते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, कई लोग उदास रहते हैं, फिरा करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो अब जब चुनाव आ रहा है तो बड़ौदा वालों के सामने क्या ऑप्शन है, बड़ौदा वाले किसकी तरफ देख रहे हैं? अब वो तो जैसे पब्लिक पीछे की भाई, इनको देना है कांग्रेस को, आम पार्टी को देना है, भाजपा को देना है, वो तो अब सब मर्जी की बात है ना, ऐसा तो अपने कह ही नहीं सकते नहीं। और किस मुद्दे पर देना है? ये मूंगवाड़ी के हिसाब से देना है, महंगाई बढ़ा, महंगाई बढ़ती है। अच्छा बताइए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, आप लोग को लग रहा है कि बड़ौदा वालों का फायदा होगा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रही है तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे? हाँ, मौके तो बढ़ेंगे, पर अभी बीजेपी का तो कुछ दिख रहा नहीं है, हिसाब तो आम आदमी पार्टी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जितना फायदा दे रही है इतना बीजेपी ने अभी तक तो दिया नहीं। उनका यहाँ कहाँ फायदा दे रहा? अभी तो दिल्ली में दिया ही ना, अब देगी। वो देखिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर आएगी, बीजेपी ने दिया है, आइए आइए आगे आइए, तो कह रहे हैं कि झाड़ू वाले आएंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, अभी आप चारों तरफ देखो, यहाँ पे मोदी का ही नाम के नारे लग रहे हैं। वो देखो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। ये तो चुनाव के वक्त तय होगा, चुनाव हो जाए उसके बाद तय होगा कि कौन आएगा। मान लीजिए अगर आप किसी को भी चुनने जाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा अभी क्या खड़ा है बड़ौदा वालों के सामने? अभी बेरोजगारी है और महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल के दाम ज्यादा है और गैस के बोतल के दाम ज्यादा है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार के, ये चीजें परेशान करती है। पहले पहले मोदी ने सब्सिडी हर एक चीज में दी है, अब सब जात की सब्सिडिया भी बंद कर दी है और मूंगवाड़ी तो इतनी बढ़ा दी है कि पूरा पूरा हिंदुस्तान का पूरा पैसा उसके खजाने के अंदर ही जा रही है, बराबर पब्लिक को फायदा हो रहा नहीं है, पूरा चीज का फायदा उसको मोदी को ही हो रहा है इसके अंदर। पब्लिक को फायदा हुआ कि नहीं हुआ है?
50% फायदा हुआ है, 50% नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि फायदा हुआ नहीं है, कह रहे हैं फायदा हुआ है। नहीं हुआ फायदा, बताइए इनको, बताइए क्या फायदा हुआ है। फायदा में देखने जाओ तो अभी कितने लोग को मकान अलाउड किए है, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं, मकान मिले, पैसे भर भर के मकान मिले, और जितने भी मकान मिले कोई देने गया नहीं, वो भाड़े से चला रहे और सब पैसे। ऐसा है क्या? ऐसा है? हाँ ऐसा भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। पैसे वालों को मकान दिए, गरीब तो आज और ज्यादा गरीब हो गए। क्या करेगा आदमी जब बेरोजगारी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। बड़ौदा में काम धाम भी है, यहाँ तो व्यापारी भी है, गुजरात तो है ही व्यापारियों का, उसके बाद भी ये स्थिति है, इसके बाद भी ये परिस्थिति, सबका असर पड़ेगा चुनाव पर, पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी का असर पड़ेगा चुनाव, जरूर पड़ेगा यार, क्यों नहीं। बड़ौदा वालों की पहली पसंद क्या है? मीठा। आ? मीठा, मीठा, इसीलिए हर चीज में मीठा है। और क्या, जलेबी फाफड़ा। और जब वो आप 18 के हो गए हैं? हाँ हो गए। तो जब आप अपने बटन का फाफड़ा खिलाने जाएंगे जलेबी, तो किसको खिलाएंगे? बीजेपी को। क्यों? बस मोदी अच्छा है इसलिए। ये देखिए, अभी कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि जी हमें कुछ नहीं मिला है। बड़ौदा के लोगों को, युवाओं को क्या मिला 5 सालों में, और आगे किस चीज की उम्मीद रखते? बहुत कुछ मिला है, ये मोदी जी के आने की वजह से बहुत कुछ मिला है। आपके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आप कहाँ रहते हैं? यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ काम करते हैं? इधर शॉप है, जॉब। अच्छा, आपकी दुकान है। तो वोटर आप यहाँ के हैं, यूपी के हैं? यूपी के हैं। यूपी के हैं, लेकिन इधर भी वोटर करते हैं ऐसे, यहाँ भी वोटिंग करते हैं। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? खबर नहीं यार, मुझे नहीं। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। बड़ी दिलचस्प चर्चा है यहाँ पे, कई सारे गुजरातियों से, अब कई सारे प्रवासी हैं जो कह रहे हैं यहाँ के वोटर भी हैं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। हमारे लिए भाई साहब ने एक खिचड़ी तैयार की है, मीठा, मतलब कि खट्टा मीठा है लेकिन है दिलचस्प। ये जायका है मूंग, ये दाल के पकौड़े, कढ़ी। चर्चा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने इस चर्चा में कम से कम ये तो समझ लिया कि बड़ौदा की पसंद क्या है। कुछ अपने मुद्दे जरूर हैं, स्थानीय मुद्दे हर चुनाव के होते हैं, उन मुद्दों का असर भी चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन मिजाज क्या है बड़ौदा का, ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आप देश भर की दुनिया की और भी खबरें आज तक में देखते रहिए, मैं तब तक इन पकौड़ों का जायका लेता हूं। फिलहाल संजय के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, बड़ौदा आज तक।